हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां चोराटे के नवस्था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भयानक आगी लग गई। यह आगी शॉर्ट सर्किट के कारण लागब बताई गई। वहीं आगी में जब तक काबू पावेगा तब तक सलगा सामान के साथ है कागज पाथर घलाए जल के राख हुई गई। मौके में ही जेपी सीमेंट फैक्ट्री के पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आगे बुझाई। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही, जहां रायपुर कलचुनियान थाना माही परे वाले जुगनिहाई टोल प्लाजा हाईवे से गोली चराई के कारण क्षेत्र माही सनसनी पसर गई। ये घटना माही झिरिया शराब दुकान के कर्मचारी राहुल सेन के गाड़ी का रोक के गोली चलाई गई। ये गोलीकांड में दो जने घायल हुए गए। हमारे जनका संजय गांधी अस्पताल में पहुंचावा गया है। ये आज करीब 10:30 बजे भी रात्रि में जगनाई टोल प्लाजा के 2 किलोमीटर पास में एक गाड़ी से लोग आ रहे थे, जिसमें 3 लोग थे, एक शुभम तिवारी, राहुल सेन और अखंड द्विवेदी। 3 लोग आए थे, एक बता रहे कि वैगनर कार आई, उसमें करीब 6 लोग थे, ऐसी जानकारी भी लोग दे रहे हैं। उसमें से बता रहे हैं कि पुराना कोई विवाद था इनका और उस पर से उनने गोली चलाई है, जिस पर से इसके गर्दन पर लगी है, अभी उसकी हालत तो गंभीर है। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र के माजन गांव में ही 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई। यह भिड़ंत इतनी जोरदार रही कि 2 मोटरसाइकिल सवार तो वहीं दम तोड़ दिन तो 3 जने घटना में ही घायल हुई गई। घायलन का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज खातिर भर्ती करावा गया है। घटना आधी रात के बताई जाती है। दोनों मृतक झलवा गांव के बताए जात हमा। रीवा शहर में ही मरीजन के सुविधा के खातिर नई संजीवनी क्लिनिक खोली जा रही है, जहां कुल स्वीकृत संजीवनी क्लिनिक में से 4 संजीवनी क्लिनिकन के भूमि पूजन के काम पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन हुआ है मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र, जिसमें पूरी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह चिकित्सा का केंद्र बनेगा। ऐसे मोहल्ले तय किए गए हैं जहां पर घनी बस्ती है, लोग प्राथमिक जांच करा सकें, प्राथमिक इलाज करा सकें और छोटे छोटे प्राथमिक जांच और इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल ना जाना पड़े, संजय गांधी ना जाना पड़े, इसके लिए उनके मोहल्ले में ही मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक की तरह। बुलेटिन की अगली खबर से गरौली से है, जहां के शराब के दुकान के एक सेल्समैन एक सयान के चप्पलन से धुनाई कई दिन, जेखर वीडियो अब सोशल मीडिया में ही वायरल होत लाग है। बतावा जात है कि देवसर ब्लॉक के जियावन थाना के नियरे शराब दुकान के सेल्समैन से बुजुर्ग शराब मांगिन, जहां सेल्समैन बुजुर्ग से रेट से अधिक पैसा मांगिन, पर जब बुजुर्ग अधिक पैसा दे से मना करिन तो देखते देखत सेल्समैन बुजुर्ग का चप्पलन से मारब शुरू कर दिन। बुलेटिन की अगली खबर सतना से रही, जहां शनिवार के सांझ के सतना सलेहा रोड में 210 मशीन लोड कई के दमोह कई जाए वाला ट्रेलर दुरेहा के पास पहुंचते आगे के चपेट में आएगा। अपना को बता दे कि इंजन से फैली आगे ट्रक का अपने चपेट में ले लिस, जहां ड्राइवर तुरते ट्रेलर का सड़क के किनारे खड़ा करके कूद के अपन जान बचाई। वह दमकल वाहन समय पर पहुंच के आगे पर काबू पाएं, जोने से बड़ा हादसा हो से बचेगा। बुलेटिन की अगली खबर से गरौली से है, जहां जिला के बैढ़न माही बनत होटल के 3rd मंजिल माही एक नग्न हालत में शव मिला है, जिसके बाद इलाका माही सनसनी फैल गए। शव के चिन्हारी खलील मोहम्मद सद्दीकी 68 साल के तौर में करीन ही जे नगर निगम कार्यालय में ही स्टेनो के तौर में काम कर चुके हमा। 12 तारीख का बिहन्ने टहले खातिर बुजुर्ग कढ़े रहे हमा, जहां 3 दिना बाद उनका शव मिला है। रीवा माही करिहा टोरे वाली महंगाई मध्यम वर्गीय परिवार खातिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी सी, जेके विरोध माही कांग्रेस नेत्री अलग अंदाज में विरोध करीन। अपना को बताई दे के कांग्रेस नेत्री विवेकानंद पार्क माही इकट्ठा हुई के गैस सिलेंडर का माला पहनाए के पूजा अर्चना कई के गरबा के डांस करें।
हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं मोदी साहब का, थैंक यू मोदी जी। भारत दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर देने वाला अपनी जनता को पहला राष्ट्र है जहां पर सबसे ज़्यादा महंगा सिलेंडर बिकता है। तो उन्होंने कहा था कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और विश्व गुरु बनने की खुशी में आज रीवा जिले की महिला कांग्रेस ने सिलेंडर गरबा किया है और हम सब डीजल पेट्रोल जी के आदेश पे गैस सिलेंडर और चूल्हा लेकर के उतरे हुए हैं जमीन पे। गैस सिलेंडर मोदी जी कहते हैं प्रणाम करिए, उसके बाद घर से बाहर निकलिए। आज से हम लोग अपना चूल्हा जलाना शुरू करेंगे। अभी लकड़ी हम लोगों को काट करके ले आना है और उस पर फिर रोटी बना करके हम लोग खाएंगे, घर परिवार को खिलाएंगे, क्योंकि अब हजार के पार हम लोग किसी भी तरह से सिलेंडर नहीं भरवा सकते। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां चित्रकूट के नर्सिंग के छात्रा जहर पी के अपन जान दे दीन। अपना का बताए दी कि सुसाइड करे से पहले छात्रा के साथ ही 6 महीना पहले भाई रही, जहां पति से अनबन के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठावे के आशंका जताई जा रही है। खबर रीवा से है, जहां कंट्रोल रूम माही पारिवारिक समस्या खातिर पारिवारिक परामर्श केंद्र के बैठक कीन गए। बैठक माही महिला थाना प्रभारी मीडिया से बताइन के बैठक में पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा निपटावे खातिर या आयोजित कीन गई है। आई अपनों का सुनाई थे का जानकारी दीन गए है मीटिंग के बारे में ही। ये जो पति पत्नी के आपसी झगड़े के मामले हैं जिनको हम काउंसलिंग के लिए परामर्श केंद्र में भेजते हैं, तो पारिवारिक मैटर को सुलझाने के लिए विशेष रूप से काउंसलर बुलाए गए हैं और इनको पति पत्नी को आपस में बैठा के काउंसलिंग के दौरान इनको समझाइश दी जाएगी और जो भी प्रक्रिया होगी आगे इसको पालन किया जाएगा पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए। कितने केस आए हैं? आज हमने केसेस तो करीब 30 रखे हैं, लेकिन अभी 4 परिवार आए हैं और धीरे धीरे आते जा रहे हैं। कितने बजे तक रहेगी ये? शाम तक चलेगा। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।